राम रक्षा स्तोत्र। इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के बुद्ध कौशिक ऋषि हैं। सीता और रामचंद्र देवता हैं। अनुष्टुप छंद हैं, सीता शक्ति हैं, श्रीमान हनुमान जी कीलक हैं तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, वत् पद्यासन से विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन अजान बाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। श्री रघुनाथ जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करने वाला है। जो नीलकमल के समान श्यामवर्ण कमल नयन जटाओं के मुकुट से सुशोभित हाथों में खंग तुड़ी धनुष और बाढ़ धारण करने वाले राक्षसों के संहारकारी तथा संसार की रक्षा के लिए अपनी लीला से ही अवतीर्ण हुए हैं, उन अजन्मा और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी सहित स्मरण कर प्राज्ञ पुरुष इस सर्व कामप्रदा और पाप विनाशिनी राम रक्षा का पाठ करें। मेरे सिर की राघव और ललाट की दशरथात्मज रक्षा करें। कौशल्यानंदन नेत्रों की रक्षा करें। विश्वामित्र प्रिय कानों को सुरक्षित रखें तथा यज्ञ रक्षक घ्राण की और सौमित्री वत्सल मुख की रक्षा करें। मेरी जिह्वा की विद्यानिधि, कंठ की भरत वंदित, कंधों की दिव्यायुध और भुजाओं की भग्नेश कार्मुक रक्षा करें। हाथों की सीतापति, हृदय की जामदग्निजित, मध्य भाग की खर्दवंशी और नाभि की जामवदाश्वय रक्षा करें। कमर की सुग्रीवेश, शक्तियों की हनुमत प्रभु, उरुओं की राक्षस कुल विनाशक रघुश्रेष्ठ रक्षा करें। जानुओं की सेतुकृत, जंघाओं की दशमुखांतक, चरणों की विभीषण शीत और संपूर्ण शरीर की श्रीराम रक्षा करें। जो पुण्यवान पुरुष रामबल से संपन्न इस रक्षा का पाठ करता है वह दीर्घायु सुखी पुत्रवान विजयी और विनय संपन्न हो जाता है। जो जीव पाताल पृथ्वी अथवा आकाश में विचरते हैं और जो छद्वेश से घूमते रहते हैं वे राम नामों से सुरक्षित पुरुष को देख भी नहीं सकते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, इन नामों का स्मरण करने से मनुष्य पापों से लिप्त नहीं होता तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष जगत को विजय करने वाले एकमात्र मंत्र राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठ में धारण करता है संपूर्ण स्थितियां उसके हस्तगत हो जाती हैं। जो मनुष्य वज्रपंजर नामक इस राम कवच का स्मरण करता है उसकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं होता और उसे सर्वत्र जय और मंगल की प्राप्ति होती है। श्री शंकर जी ने रात्रि के समय स्वप्न में इस राम रक्षा का जिस प्रकार आदेश दिया था उसी प्रकार प्रातःकाल जागने पर बुद्ध कौशिक ने इसे लिख दिया। जो मानो कल्प वृक्षों के बगीचे हैं तथा समस्त आपत्तियों का अंत करने वाले हैं, जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। जो तरुण अवस्था वाले रूपवान सुकुमार महाबली कमल के समान विशाल नेत्रों वाले चीरवस्त्र और कृष्णमर्ग चर्मधारी फलमूल आहार करने वाले सैमी तपस्वी ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों को शरण देने वाले समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और राक्षस कुल का नाश करने वाले हैं, वे रघुश्रेष्ठ दशरथ कुमार राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। जिन्होंने संधान किया हुआ धनुष ले रखा है, जो बाढ़ का स्पर्श कर रहे हैं तथा अक्षय बाढ़ों से युक्त तुड़ीर लिए हुए हैं, वे राम और लक्ष्मण हमारी रक्षा करने के लिए मार्ग में सदा ही मेरे आगे चलें। सर्वदा उदित कवचधारी हाथ में खंग लिए धनुष बाढ़ धारण की तथा युवावस्था वाले भगवान राम लक्ष्मण जी सहित आगे आगे चलकर हमारे मनोरथों की रक्षा करें। राम दशरथी शूर लक्ष्मणानुचर बलि काकुतस्थ पुरुष पूर्ण कौशल्य रघुत्तम वेदांत वेद यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान और अप्रमेय पराक्रम, इन नाम का नित्य प्रति श्रद्धापूर्वक जप करने से मेरा भक्त अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग दूर्वादल के समान श्यामवर्ण कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं वे संसार चक्र में नहीं पड़ते। लक्ष्मण जी के पूर्वज रघुकुल में श्रेष्ठ सीता जी के स्वामी अति सुंदर ककुतस्थ कुलनंदन करुणा सागर गुण निधान ब्राह्मण भक्त परम धार्मिक राजेश्वर सत्यनिष्ठ दशरथ पुत्र श्याम और शांति मूर्ति
संपूर्ण लोकों में सुंदर रघुकुल तिलक राघव और रावणादि भगवान राम की मैं वंदना करती हूँ। राम रामभद्र रामचंद्र विधात्र स्वरूप रघुनाथ प्रभु सीतापति को नमस्कार है। हे रघुनंदन श्री राम, हे भरतग्रज भगवान राम, हे रणधीर प्रभु राम, आप हमारे आश्रय होइए। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का मन से स्मरण करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों का वाणी से कीर्तन करता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ तथा श्री रामचंद्र जी की शरण लेता हूँ। राम मेरी माता है, राम मेरे पिता है, राम स्वामी है और राम ही मेरे सखा है। दया में रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं, उनके सिवा और किसी को मैं नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। जिनकी दाई ओर लक्ष्मण जी, बाई ओर जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, उन रघुनाथ जी की मैं वंदना करती हूँ। जो संपूर्ण लोकों में सुंदर रड़ फ्रीडा में धीर कमल नयन रघुवंश नायक करुणामूर्ति और करुणा के भंडार हैं, उन श्री रामचंद्र जी की मैं शरण लेती हूँ। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्र बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, उन पवनंदन मानेरा ग्रहगण श्री रामदूत की मैं शरण लेती हूँ। कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम इस मधुर नाम को पूछते हुए वाल्मीकि रूप कोकिल की मैं वंदना करती हूँ। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाले लोकाभिराम भगवान राम को मैं बारम्बार नमस्कार करती हूँ। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार बीजों को भून डालने वाला तथा समस्या सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम जी सदा विजय को प्राप्त होते हैं। मैं लक्ष्मणपति भगवान राम का भजन करती हूँ। जिन रामचंद्र जी ने संपूर्ण राक्षस सेना का ध्वंस कर दिया था, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। राम से बड़ा और कोई आश्रय नहीं है, मैं उन रामचंद्र जी की दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे, हे राम आप मेरा उद्धार कीजिए। हे सुमुखी राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है, मैं सर्वदा राम 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 इस प्रकार मनोरम राम नाम में ही रमण करती हूँ। इति श्री बुद्ध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम।